हरे कृष्णा। निशा माता जी प्लीज स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं। इस तरह भय के मारे उसका मलमूत्र छूट जाता है। तात्पर्य, वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का दे ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है ना, ये सब पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, 24, यस, 25, यस माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रख दिया जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक पे तथा अगले 3 श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। पहला विवरण यह है कि अपराधी को स्वयं आग में पका अपना मांस खाना पड़ता है या अन्य जो वहां उपस्थित होते हैं उन्हें खाने देना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि यमराज के निवास यम सादन में अपराधी को जो कभी दूसरे का मांस खाता है अपना ही मांस खाना पड़ता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषा माता जी, ऋषा माता जी नहीं आ रही है। ओके, हम समझ हरे गए। कृष्ण प्रभु जी, यस ऋषा माता जी। नरक के कुत्तों तथा गिद्धों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल दी जाती हैं और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। और क्या होता है? यस। फिर उसके अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है। उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। ओके। हाँ, ओके। तो इस प्रकार की यातनाएं दी जाती है। देखिए, यातनाएं समझ में आए तो भी अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी, मतलब बस इतना समझ लीजिए कि बहुत कड़ी यातनाएं दी जाती है। देखिए, एक तरफ हम भौतिक जगत में हैं, जहां पे रहना ही यातना है, इस जगत में रहना ही यातना है, डेली डेली कष्ट, संघर्ष, नित्य दिन हमको संघर्ष करना पड़ता है ना, भौतिक जगत है ही ऐसा। दूसरी तरफ कैसा, दूसरी तरफ ये शरीर त्यागने के बाद भी यातना, यहां पे रहते हुए भी यातना, इस शरीर को छोड़ने के बाद भी यातना, बोलिए क्या लाभ? इसमें कोई लाभ है? ये शरीर प्राप्त किए रहे तब भी यातना मिल रही है, शरीर छोड़ने के बाद भी यातना मिल रही है, तो ऐसा शरीर को धारण ही क्यों करना? ये शरीर मिलकर कोई आनंद तो नहीं मिल रहा, कोई आप खुश तो नहीं हो रहे कि ये इस प्रकार का शरीर मिला कि हमें कष्ट मिल रहा है? आप खुश तो नहीं हो रहे। तो इस प्रकार के शरीर में क्या लाभ? भौतिक जगत ऐसे ही है। देखिए, आप सभी भी कभी ना कभी पीड़ा से जा रहे हो, है ना, कोई आपकी बात नहीं मान रहा,
कोई आपके प्रति दुर्भावना रख रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है, किसी ना किसी प्रकार का संघर्ष हो रहा है। ये सभी में हमें दुखी नहीं होना। देखिए बोलना बहुत आसान है, दुख होए तो दुखी कैसे नहीं हो ना? परंतु जब दृष्टिकोण सही होगा, आज दृष्टिकोण डिफरिंग ओपिनियन के बारे में बात हुई थी, जब दृष्टिकोण सही होगा तो फिर हम इन यातनाओं में भी यातना नहीं पाएंगे, हम इन यातनाओं में भी क्या पाएंगे? इंस्पिरेशन। इन यातनाओं को भी देखेंगे कि ये भी एक तरीका है ताकि हम भगवान के प्रति और जागरूक हो जाए। इन यातनाओं में कोई कष्ट नहीं, इस प्रकार से हम देखेंगे। इस जगत में अनेकानेक कष्ट है और ये कष्ट हमें स्ट्रांग बनाते हैं, अगर भक्त हैं तो। और भौतिक जगत के अगर प्राणी हैं तो इन कष्टों में ही लिप्त रह जाएंगे। हम सोचते ही रहेंगे कि ये कष्ट हुआ क्यों, देखिए समझिए, यातना मिलने वाली है। देखिए सभी को यातना मिलेगी, हैं? सभी को यातना मिलेगी, कोई ऐसा नहीं है जिसको यातना नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट जो भगवत भक्त बन गया। जो भगवत भक्त बन गया है उसके लिए यातना का सवाल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित हो गया। अगर कोई भगवान के प्रति समर्पित हो गया है तो उसे भौतिक नियमों के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। परंतु भगवान के समर्पित होने का अर्थ भी यही है कि भौतिक नियमों को नहीं माने, हैं? भौतिक नियमों के ऊपर जो कार्य करना वो करे। हम लोग भौतिक कष्टों, भौतिक कारणों के कारण भक्ति नहीं करते, इसका ठीक उल्टा करना, ठीक उल्टा। चाहे कोई भी स्थिति हो हमें भक्ति करनी। फिर से बोल रहे हैं, बोलना आसान परंतु करना भी पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं इसे आसान कर देना तो हर चीज के बाद, चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा हो, हर चीज के बाद एक चीज को याद कीजिए, गुरु ने क्या बोला। देखिए बोलने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं शास्त्र ने क्या बोला, परंतु शास्त्र को समझने की विद्वता है क्या हमारे पास? हम शास्त्र समझ सकते हैं क्या? इतने क्वालिफाइड हैं क्या हम? नहीं। तो हमको बस ये समझना है गुरु ने क्या बोला। अगर हम, देखिए क्या होता है, हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों, ये समझना होगा। हम इस भौतिक जगत में आए ही क्यों? क्योंकि हमारा कृष्णा से एक भिन्न मत था, हमारा कृष्णा से भिन्न मत था, हम कृष्णा से भिन्न रूप से सोचते थे,
कृष्णा कुछ बोलते हैं और हम उससे भिन्न सोचते हैं। और कोई कारण है क्या? नहीं, बस वही कारण। हमें भौतिक आसक्ति हुई ही क्यों? क्योंकि हम कृष्णा से भिन्न सोचते थे। कृष्णा जो हमें बोलते हैं हम उससे भिन्न सोचते, है ना। हम इस भौतिक जगत में आने के बाद कष्ट क्यों सह रहे हैं? क्योंकि हम कृष्णा से भिन्न सोचते हैं। अगर हम कृष्णा से भिन्न सोचना छोड़ देते तो भौतिक जगत में रहते क्या? हैं? कृष्णा बोलते हैं कि ये करो और हम बोले हैं कि हाँ यही करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत में रहते? हम कष्ट सहते? हम दर्द सहते? होता? हम दर्द सहे क्यों? अब देखिए, यहां पे एक काम मत कीजिए। आज मैंने किन्हीं को बोला है, सबको ही अपनाइए, गुरु से भिन्न मत मत रखिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, देखिए, या तो गुरु सत्य बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। सत्य बोल रहे हैं तभी गुरु है, नहीं तो वो गुरु ही नहीं है। या तो ऐसे ही डिस्क्वालिफाई कर दीजिए, गुरु ही नहीं है तो। वेरी गुड। परंतु अगर गुरु हैं, अगर गुरु हैं तो हम उनसे भिन्न मत नहीं रख सकते। हमारा मत गुरु के मत को जानने से पहले भिन्न हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा मत गुरु के मत को जानने से पहले भिन्न हो सकता है, परंतु गुरु के मत को जानने के बाद भिन्न हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये विकल्प नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो क्या कीजिए, गुरु के मतानुसार। क्योंकि अब समझिए, इस भौतिक जगत में कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलेगा तो उपाय क्या? सपोज कीजिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? मेरे को कष्ट क्यों मिला? भौतिक जगत के हैं तो सेकंड रिएक्शन क्या होगा? अगली बार मैं अपनी व्यवस्था कैसे बनाऊं कि ये भौतिक कष्ट ना मिले? समझ रहे? अगर भौतिक हैं तो सेकंड थॉट क्या आएगा? अगली बार मैं क्या व्यवस्था बनाऊं कि भौतिक कष्ट ना मिले? देखिए, यहीं पे गड़बड़ है। हमारा भिन्न मत रखना यहीं पे गड़बड़। गुरु हमें ये नहीं बताते, गुरु हमें ये बताते हैं कि अगली बार कभी कोई कष्ट ना मिले। ये कष्ट नहीं, कभी कोई कष्ट ना मिले, उसके लिए क्या व्यवस्था बना रहे, है ना। उसके लिए हमको इस भौतिक जगत से जाना होगा। कहाँ? आध्यात्मिक जगत की। अगर भौतिक जगत में हैं तो कष्ट तो सहेंगे, इस जगत में जब तक रहेंगे कष्ट तो सहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता इस जगत में भी रहेंगे कष्ट भी नहीं सहेंगे, ये नहीं होगा। इस जगत में रहेंगे तो कष्ट तो सहना, भिन्न भिन्न तरीके का कष्ट सहना, और इस जगत से जब जाएंगे तब भी कष्ट सहना है, जब तक आप भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति कर रहे हैं तो यम यम दूत के पास नहीं जाएंगे। आज ही हम लोगों ने पढ़ा था क्या 5 PM पे? 5 PM पे पढ़ा था क्या कि भौतिक शरीर त्यागने के बाद है? हाँ, 5 PM पे ही पढ़ा था। भौतिक शरीर त्यागने के बाद भगवान के भक्त यमलोक नहीं जाते। फिर यमदेव के बारे में बताया गया था कि यमदेव बोल रहे थे अपने दूतों को कि भगवान के भक्तों को आप कष्ट मत दीजिएगा। भगवान के जो भक्त होते हैं वो सारे नियमों के परे होते हैं, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आश्लेषा माता जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरु जी। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है। तात्पर्य, भौतिकतावादी जीवन विषयी जीवन पर आधारित है। उन समस्त भौतिकतावादी लोगों का जीवन जो जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहे हैं,
काम वासना पर आधारित है। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। यह जीवन विवाहित दंपत्ति युगल के लिए संतानोत्पत्ति के लिए है, किंतु जब अवैध इंद्रिय तृप्ति के लिए विषयी जीवन का उपयोग किया जाता है तो स्त्री तथा पुरुष दोनों को इसी संसार में या मरने के बाद कठोर यातना सहनी पड़ती है। इस श्लोक में उन्हें सिफिलिस तथा गोनोरिया जैसे रोगों द्वारा दंडित होना पड़ता है और अगले जीवन में उन्हें सिफिलिस तथा और अगले जीवन में उन्हें अनेक नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषयी जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है और यह कहा गया है कि जो इस प्रकार से संतान उत्पन्न करते हैं वे नरक को जाते हैं। यहाँ पर भागवतम में इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधों को तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र तथा रौरव नरकों में जीवन बिताना पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए समझिए, ये भौतिक जीवन मिला ही क्यों है? ये भौतिक जीवन मिला है कि हमारी जो भी कामनाएं है देखिए, दो जो कामनाएं होती है ना वो बहुत ही प्रबल होती है और हमें भगवान से दूर भी करती है। पहली कामना होती है योनाचार, विषय जीवन की, और दूसरी कामना होती है जीव की। देखिए, अगर कोई एक गलत खाए नहीं तो गलत व्यवहार भी नहीं करे, है ना? तामसिक खाते हैं तो तामसिक व्यवहार भी करते हैं, परंतु यहां पे उससे भी ज्यादा और इनफैक्ट गर्हित चीज के बारे में बात हुई है, योनाचार। अब योनाचार से क्या होता है कि लोग यौन संबंध इस प्रकार से रखना चाहते हैं कि अत्यधिक आनंद भोगे। अब समझिए यहीं पे गड़बड़ है। जो हमको जीवन मिला वो आनंद भोग के लिए नहीं मिला, लोग प्रभु बनना चाहते हैं। और वो अपने आप को स्वामी जानना चाहते हैं। अब देखिए, अगर स्वामी जानना भी चाहते हैं, इस प्रकार से भौतिक जगत में आ भी गए, तो उन्हें एक व्यवस्था दे दी जाती है कि आप परिवार में यौन संबंध बनाइए और इस प्रकार से अपना जीवन व्यापन कीजिए। पर वहां पे भी यौन संबंध किस लिए? ताकि आप अच्छी संतान उत्पत्ति करें। देखिए, आपको इच्छा है तो आप वैसा संबंध बना लीजिए, परंतु किसके लिए? अच्छी संतान उत्पत्ति करने के लिए। देखिए, बाकी जो भी जिस प्रकार का भी इच्छा है, कामना है, उस प्रकार की इच्छाओं से हमें बाहर निकलना, जो भी इच्छाएं उसमें स्थित नहीं रहना। उसमें स्थित रहने से क्या होगा कि कष्ट बारंबार बढ़ेगा, अत्यधिक बढ़ेगा, है ना? कष्ट बढ़ते रहेगा। तो हम पे बहुत कृपा होती है कि कोई हमें ये बता दे। भौतिक जगत में सब कोई इसी प्रकार से गर्हित जीवन जी रहे हैं, बुरे से बुरा जीवन जी रहे हैं, कष्ट वाला जीवन जी रहे हैं, दुखी वाला जीवन जी रहे हैं। और आप देखिए, जो लोग इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं,
उनका कष्ट का अंत हो ही नहीं रहा, उनकी तृप्ति किसी भी कारण से हो ही नहीं रही। कभी भी तृप्त हो जाते हैं ऐसे लोग, कुछ भी होने से तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो स्थिति यही है, बेचारे संघर्ष किए जा रहे हैं, है ना, संघर्ष किए जा रहे हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इस संघर्ष से निकलना चाहिए, हमें लोगों को भी मदद करना चाहिए, परंतु कोई भी अपने प्रयास से इस संघर्ष से नहीं निकल सकता। लोग इस प्रकार से इच्छाएं बनाए रखते हैं और बने ही रहेगी, नहीं निकल पाएंगे, अपने प्रयास से नहीं निकल, कैसे निकलेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन कर, फिर से आज्ञा पालन करके, गुरु की बातें सुनकर के भी नहीं, गुरु की बातें सुनकर उसकी आज्ञा पालन कर, सुनने से भी लाभ नहीं होगा। हाँ ये बात जरूर है, सुनने से आपको जो ये भेद है, जो ये फर्क है वो दिखने लग जाएगा, जो ये गलत और सही है वो दिखने लग जाएगा, समझ में आने लग जाएगा क्या गलत है। परंतु मात्र सुनने मात्र से क्या आप गलत को त्याग दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका पालन करना ही पड़ेगा ना। अब आप सोच के देखिए, दूसरा एक और बात बोला था, जीव अगर सपोज कि आप एकदम कृष्णा को ऑफर प्रसादम पा रहे हैं और सात्विक कृष्णा को ऑफर किया होगा, आजकल राजसी भी ऑफर करते हैं, सात्विकी फूल कृष्णा को ऑफर किया होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा ना, होगा ना। आप लोग भी जब प्रसादम पा रहे हैं धीरे धीरे मन शुद्ध हो रहा है ना, तो ये दोनों करने का जरूरत है। ठीक है, परंतु इस विषय जीवन में अगर पड़े रहेंगे तो उसमें हम सोचते हैं कि इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, पर समय का व्यय है, समय का बर्बादी, तृप्त तो नहीं हो रहा। अगर कोई सपोज कीजिए तृप्त हो जाता है, एक बार के लिए मान लिए कि कोई तृप्त हो जा रहा है, इंद्र तृप्ति किया और तृप्त हो गया, तो होगा कैसे, अगली बार उसकी अवस्था बेटर होगी। और कोई अगर सपोज कीजिए, इसको ऐसे देख लीजिए, सपोज कीजिए कोई बीमारी है, अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और डॉक्टर के पास गए और बोले हमको बीमारी है, डॉक्टर ने क्या किया, हमें दवाई दे दिया और बोला जाइए दवाई खाइए, बोले कितना दिन में ठीक हो जाएंगे, 1 महीना में ठीक हो जाइए, जाइए। 7 दिन बाद आता है, बोलता दर्द और बढ़ गया, डॉक्टर के पास 7 दिन बाद आता है, बोलता दर्द और बढ़ गया, डॉक्टर बोलता कोई बात नहीं, पहले 100 mg का दवाई दिया हुआ था, अब 200 mg का कर दिया, 200 mg मतलब समझते हैं ना, डोज को डबल कर दिया, एक्चुअली में डबल नहीं होता पर ठीक है मान लीजिए डबल कर दिया, करीब करीब डबल कर दिया डोज, चलो ठीक है अब डॉक्टर ने दवाई दिया तो खाएंगे। 15-20 दिन होता है, फिर बोलता दर्द मेरा और बढ़ गया, डॉक्टर बोलता आइए आइए, क्या और बढ़ गया, अच्छा एक काम कीजिए 500 mg ले लीजिए। एक बात बताइए, आप ऐसे डॉक्टर से कभी प्रसन्न रहेंगे क्या, आप ऐसी व्यवस्था से कोई भी प्रसन्न रहेंगे, जल्दी बताइए। पहले बीमारी थी 100 mg दिया, फिर बता किया तो 250 mg दे दिया, फिर थोड़े दिन बाद गया फिर 500 mg कर दिया, ऐसे डॉक्टर से कभी प्रसन्न रहेंगे आप। हरे कृष्ण, यस, कोई भी ऐसे डॉक्टर से प्रसन्न रहेगा,
हरे कृष्ण। यस, सच सच बात बताइए, इंद्र विषयी जीवन जो रहता है वो इसी प्रकार से तो रहता है, पहले बुरा रहता है, फिर इंद्र विषयी करके और बुरा हो जाता है, और ज्यादा लालसा करती है, फिर इंद्र तृप्ति करके और ज्यादा लालसा करती है, होता है कि नहीं होता? सारी इंद्र तृप्ति के लिए होता है, नहीं होता? हरे कृष्णा, सच है नहीं है? सारी इंद्र तृप्ति के लिए सच है कि नहीं है? जब भी हम विषयी जीवन जीना चाहते हैं, हमारी लालसा, हमारी भूख और बढ़ जाती है, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? ऐसे डॉक्टर के पास जाइएगा क्या? है? कल जाकर के पता चलेगा कि हम तो और बीमार हो गए। ऐसा जीवन जीना है क्या? समझिए, इस प्रकार के जीवन में कोई लाभ तो है नहीं। जीने के लिए हम जी सकते हैं, पर कोई लाभ तो है ना? तो ऐसा जीवन मत जी, ठीक है? समझ रहे? हरे कृष्ण, समझ आए? ऐसा जीवन मत जिए जिसमें आपकी भूख, तृष्णा और बढ़ते चली जाए, आपके कष्ट और बढ़ते चले जाए, और फॉरगेट दिस वर्ल्ड, इस जगत के बारे में भूल जाइए, अगले जगत में भी कष्ट ही सहन। ऐसा जीवन क्यों जीना? जब कष्ट ही कष्ट सहना है तो ऐसा जीवन क्यों जीना? नहीं, गलत है ना, गर्हित है ना, नहीं जीना चाहिए ना? हरे कृष्णा। यस, अगर इंद्र तृप्ति का कामना भी हो तो क्या है, तो गृहस्थ जीवन बना हुआ है, गृहस्थ जीवन के नियम अनुसार जीवन जीने का प्रयास करें बस, ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, प्रज्ञा मत जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कपिल मुनि ने आगे कहा था, कभी कभी यह कि इसी लोक में हमें नर्क अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नारकीय यातनाएं दिखाई पड़ती हैं। तात्पर्य, कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते, वे ऐसे प्रमाणिक विवरणों की अवहेलना करते हैं, अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि ये नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो। यमराज के लोक में पापी पुरुष को उन नारकीय परिस्थितियों में रहने का अवसर प्रदान किया जाता है, जो उसे अगले जीवन में सहनी होगी, और फिर उसे दूसरे लोक में यही नारकीय जीवन बिताने के लिए जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है, फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है, जैसा जैसे कि एक शूकर का, जिससे कि वह मल खा सके और यह सोचे कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। पीछे यह बताया जाता है कि कैसी भी नारकी परिस्थितियां में बद्ध अपने को सुखी मानता है, अन्यथा यह संभव नहीं कि नारकी जीवन हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि सपोज कीजिए कि आप बताते हैं कि इस प्रकार का जीवन तो बहुत खराब है, सुनते ही बहुत खराब लगता है, तो ऐसा जीवन लोग जीते ही क्यों है? इस प्रकार का जीवन लोग जीते ही क्यों? उसका कारण यही है, क्योंकि अगर सपोज कीजिए आपको मैं बता दूं कि इतना कष्ट मिल रहा है, तो आप इस प्रकार का जीवन जिएंगे? बिल्कुल नहीं जिए। परंतु कुछ लोग जी रहे, क्यों जी रहे?
क्यों जी रहा? क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं हो रहा। कष्ट तो हो रहा है पर अनुभव नहीं हो रहा। देखिए यही फर्क है। बद्ध जीव, हम थोड़ी देर पहले यही जान रहे थे, बद्ध जीव जो होगा इस संघर्ष में ही अपनी अच्छी व्यवस्था बनाने का कोशिश करेगा। संघर्ष तो हो रहा है परंतु यहाँ पे हम अपनी अच्छी व्यवस्था कैसे बना लें कि ये जो संघर्ष हो रहा है उसी में मेरे को आनंद मिले। जैसे आपको एक एग्जांपल दे, सपोज कीजिए एयर पॉल्यूशन है, और एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, एक बार के लिए मान लीजिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप बैठ नहीं सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, अगर सपोज कीजिए ये भी स्थिति है, परंतु आप एक एयर प्यूरिफायर ले आए और एयर प्यूरिफायर लगा करके अपनी ऐसी व्यवस्था बना ले कि आपको वो कष्ट दर्द अनुभव नहीं होगा, तो हम सोचते हैं हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। पूरे दुनिया को देखो कितना एयर पॉल्यूशन से खोखा कर रहे हैं, पूरी दुनिया कितनी दुख में है, हमारा घर देखो एयर प्यूरिफायर लगाया हुआ, कितना अच्छा व्यवस्था। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। सांपों के बीच रह करके एक जाल बना लेना जिसमें सांप ना आ पाए और उस जाल में रहना और सोचे कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, तो ये मूर्खता है, ये कोई बुद्धिमता नहीं है, ये मूर्खता है। कष्टों के बीच रहना और अपनी व्यवस्था बना लेना ताकि आपको कष्ट अनुभव ना हो, तो ये मूर्खता है। इस प्रकार की व्यवस्था कोई अच्छी तो है, भौतिक जगत में इस प्रकार की अवस्था होती है, ऐसा जीवन जी करके कोई लाभ तो होता है। ठीक है, अब देखिए जो लोग है ना अस्वीकार कर देते हैं कि हम तो पाप करेंगे, तो उनको क्या होता है, उनको कष्ट मिलता है। उनको कष्ट मिलेगा अगर कोई पाप करेगा तो कष्ट मिलेगा। अब बात बस इतनी होती है कि पाप करने पे इंस्टेंटली कष्ट नहीं मिलता, तभी के तभी कष्ट नहीं मिलता, मिलता है बाद में मिलता है ना। तो भौतिक जगत में भी लोग दंभी हो जाते हैं, किस लिए? क्योंकि उन्हें कष्ट नहीं मिलता। परंतु ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं मिलेगा, जिस प्रकार का कर्म किए हैं अगर बद्ध जीव हैं तो यमराज के नियम अनुसार जो भी आपका शरीर बनता है वो शरीर मिल जाएगा, उस प्रकार की यातना वहां पर मिलेगी अगले शरीर में। इस प्रकार का जीवन जिए जहां पे आपको अभी भी कष्ट हो रहा है आगे भी कष्ट हो रहा है, इसमें क्या लाभ है? इसमें कोई लाभ, इसमें कोई लाभ, ये मूर्खता है। ठीक है, हरे कृष्ण, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हंसा माता जी, हरे कृष्ण अश्लीषा माता जी, अश्लीषा माता जी ने तो भी रीड किया था ना। यस गुरुजी। ओके ऋचा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य, आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा न भी करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से सम्मत उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है। किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, जो निम्न कोटि के होते हैं उनकी चेतना इतनी विकसित नहीं होती, उनको नहीं पता होता, सही और गलत का भेद नहीं पता होता। परंतु मानव जीवन मिला है तो सही और गलत का भेद तो पता चलता है। अब सही और गलत का भेद पता चलने के बाद भी लोग क्या करे कि पाप पूर्ण कार्य करे, तो ये क्या है? जिस प्रकार से नाम अपराध होता है, नाम के बल पे पाप करना, उसी प्रकार से मानव जीवन का शरीर मिलने के बाद अपराध करना है ना। मानव शरीर इसलिए तो नहीं मिला था कि आप पाप करें, परंतु आप पाप कर रहे हैं तो क्या होगा? इसका कष्ट तो मिलेगा, या आपने पाप कर्म किया इसका फल तो मिलेगा। अब कब मिलेगा वो मैटर ऑफ टाइम है ना। इसका फल एक अवस्था में नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? हरे कृष्ण, यस, एक अवस्था में नहीं मिलेगा। बताइए, अगर किसी ने पाप कर्म किया परंतु पाप कर्म का फल नहीं चाहिए, क्या करना होगा कि पाप कर्म का फल नहीं चाहिए? हमने तो पाप किया, क्या करें कि पाप का फल नहीं मिले? यस, कृष्णा के शरण लेना होगा, कृष्णा के चरणों में पूर्ण समर्पित होने पे। देखिए, अगर कोई शुद्ध रूप से भक्ति करे, लोग भक्ति करते हैं, बहुत चीजें होती है जो शुद्ध रूप से नहीं करें तो भी मिल जाता है, परंतु हम तो हर बार शुद्ध रूप वाला ही जानेंगे। अगर कोई शुद्ध रूप से भक्ति करे तो उसे ये सब जो भी पूर्व पाप रहे हैं उसका भी प्रभाव नहीं होगा। भक्ति करने से पूर्ण पापों से भी निवृत्त हो जाएगी। हरे कृष्ण गुरु जी, इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ धन प्राप्त करता है और उस धन से अपने परिवार का पोषण करता है तो जो इस कमाए हुए काले धन का भोग करते हैं वे भी अंशतः उत्तरदायी है।
और उन्हें भी नरक भेजा जाता है, किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है, धन नहीं। उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ धन प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसी नहीं दी जाती, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहते हैं, किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराधकर्ता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्मों के लिए अधिक उत्तरदायी है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सत कार्यों में या भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता। धन दौलत यही रही आती आती है और नष्ट हो जाती है। अतः या तो हम धन को त्यागे अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं जो बात बोलने जाऊंगा अब बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ स्ट्रांगली बोलूंगा, तो अगर कोई सोचे कि हाँ प्रभु जी आप बायस होकर के बोल रहे हैं तो बिल्कुल बायस होकर के बोल, ठीक है। शास्त्र आपके सामने है, इस डिवाइन ग्रेशन प्रपात की वाणी आपके सामने है, ठीक है। अब मैं बायस होकर के बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस भौतिक जगत में जब हम धन कमाते हैं तो उसका क्या लाभ है? हम लोग क्या करते हैं, आप मेरे को एक बिजनेस बता दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर गलत तरीके से कमाया गया धन हो तो, मुझे एक तरीके से बता दीजिए धन जिसमें पाप इन्वॉल्व नहीं है। जो खेती करते हैं ना सोचते हैं कि हम पाप नहीं कर रहे, कितने जीवों की हत्या करते हैं। अब जैसे आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, केचुओं से फर्टिलाइजर बनाया जाता है, बनाया जाता है, केचुओं को जीवित किया जाता है, उसके बाद केचुओं की मृत्यु तक इंतजार करते हैं या कि फर्टिलाइजर को तब तक अनटच्ड रखें, जब तक केचुए मर नहीं जाएंगे तब तक फर्टिलाइजर को वैसे ही रखें, उसके बाद हम फर्टिलाइजर को उठा करके लोगों को देंगे या खेत में डालेंगे, है? कितने जीवों की, जैसे चूहा आ गया, चूहा आ गया, खेती करते हैं, चूहा आता है तो क्या चूहा को छोड़ देंगे? अगर गाय चरने आ जाए, अभी मैं किन्हीं से बात कर रहा, बोले गाय को हाथ उठा करके भी अगर हम कर देना, हम हाथ भी उठा देंगे, उसमें भी पाप हो जाता है। अब सोच के देखिए, गाय अगर खेत में चरने आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? आपका खेत बहुत मुश्किल से आपने जोता है और गाय आ गई है, आपका जो जो भी जोता है उसको चर रही है, एक ही बार में चर जा रही है, तोड़ दे रही है, सब बर्बाद कर दे रही है, आप क्या कीजिए? हाँकिएगा तो, मारिए ना मारिए, हाँकिएगा तो वो पाप नहीं हो रहा है। कितनी सारी चींटियों का मौत कर देते हैं, आप कोई भी एक तरीका बताइए जहां से आपका धन आपने कमाया, किसी भी तरीके से कमाया और वो पाप से रहित, कोई एक। आप बोलिए कि हमने जॉब किया, तो जिनने पैसा कमाया किसी ना किसी बिजनेस के लिए तो जॉब किया ना, जिनने पैसा कमाया उनने पाप नहीं किया क्या? बोले गवर्नमेंट का जॉब किया, गवर्नमेंट के जॉब में कहीं पार्शियलिटी नहीं हुई थी क्या, कहीं धोखा नहीं दिया गया, कोई छल कपट नहीं हुआ, कोई बुरा नहीं हुआ? आप मुझे एक तरीका बता दीजिए जहां पे पाप कर्म नहीं, एक तरीका धन कमाने, एक भी तरीका नहीं। झूठ बोलना भी पाप, आप सोच के देखिए,
बताइए, इस भौतिक जगत में रहते हुए आप पाप रहित जीवन जी सकते हैं क्या? पाप रहित धन अर्जित कर सकते हैं क्या? तो जो लोग धन का दान नहीं करते ना, बोले हम स्टूडेंट हैं, कोई ये भी बोले स्टूडेंट है, देखिए मान लिया आप स्टूडेंट, मान लिया आपके पिताजी पिताजी से धन आ रहा है, परंतु आपको भी कुछ तो दान करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि ज्यादा दान कीजिए, परंतु कोई बोले हम दान नहीं करेंगे, तो एक बात बताइए, आप इंद्र तृप्ति शून्य कर दिए क्या? अगर शून्य कर दिए हैं तो आप पाप कर्म में यूज नहीं कर रहे, परंतु अगर इंद्र तृप्ति थोड़ी सी भी कर रहे हैं, थोड़ी सी भी कर रहे हैं, 1 रुपए भी इंद्र तृप्ति के लिए जा रहा है, और आजकल तो मालूम है बहुत ही सटल रूप से भी जाता है, आपको खुद भी पता नहीं होता। जैसे आपको एक एग्जाम्पल, अभी आप YouTube देखें, YouTube पे कोई वीडियो देखने लग जाए इंद्र तृप्ति का, तो उस पर एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा कौन देता है? एडवर्टाइजर देता है, पर कब देता है? जब हम देखते हैं। एक्चुअली में आपने इंटरनेट वाले को पैसा दिया, आपने और कुछ खरीद करके पैसा दिया है? और वो पैसा किसके पास चला गया? वो पैसा चला गया एडवर्टीजमेंट के थ्रू उनके पास, जिनके जिनका वीडियो देखा इंद्र तृप्ति की। बहुत ही सटल रूप से भी जाता है, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा भी हो सकता है ना। मैंने उनको थोड़ी ना पैसा दिया, आपने दिया, आजकल हम बहुत बहुत लोगों का रिकमेंडेशन कहीं पे भी व्हाट्सएप पे चला देते, स्टेटस पे लगा दिया। देखिए इसीलिए बोलते हैं व्हाट्सएप के स्टेटस पे है ना, बस भगवान की बात लगाई। अब किसी भौतिकवादी की बात लगा दी, हुआ क्या? वो भौतिकवादी पाप कर्म भी करता है, कोई कोई फिल्म स्टार कोई क्रिकेटर का लगा दिया, अब वो पाप कर्म भी करता है। अब क्या किया हमने, उसको फेमस किया, आपके कारण भी फेमस होता है, आपकी रीच बहुत कम है परंतु आपके कारण भी फेमस होता है। आपने क्या किया, अपना समय अपना वैल्यू लगा दिया उनके महिमा गाने, आपके कारण 4 लोगों को पता चला, वो भी महिमा करने लग गया है। चलिए, कल भी एक भेद घोला था, आज भी एक भेद घोलता किसी जमाने में एक क्रिकेटर हुआ करते थे, अब मैं ये नहीं बता रहा वो है कि नहीं है, क्या जरूरत है, उनके बारे में तरह तरह से जितना अच्छा हो सकता था मैं बोला करता था किसी समय, अभी बहुत 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 पहली बात। जिस दिन पता चला, मतलब आप कोई भी बात बोलिए मैं उनके बारे में पॉजिटिव निकाल करके बता दूंगा, ठीक है, इस प्रकार का, और इस प्रकार का। उस टाइम गूगल गूगल तो था नहीं, बहुत पुरानी बहुत पुरानी बहुत पुरानी बात है, जब गूगल बाबा नहीं हुआ करते थे, तब भी ढूंढ ढूंढ करके निकाल करके सामने रख देता। एक बार पता चला कि वो पशु हत्या में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, जितना बड़ाई करना था वहीं से समाप्त हो गया। समझिए बात को, आप भौतिक जगत में अगर, और देखिए ये मालूम है ये कब हम लोग ग्लोरीफाई करते हैं, कब हम लोग महिमा गान करते हैं, किसी क्रिकेटर का, किसी फिल्म स्टार का, किसी इसका किसी उसका, कब महिमा गान करते हैं? जब महिमा गान करने के लिए सही व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि हम महिमा तो किसी ना किसी की तो गाएंगे ना। कोई ऐसा बोले हम तो महिमा गान करते ही नहीं थे, हम तो कल तक भक्ति नहीं जानते थे, सॉरी 1 साल पहले भक्ति नहीं जानते थे, 1 साल पहले तक भी हम किसी की महिमा गान किए नहीं, 1 साल से तो हम कृष्णा की महिमा गान करते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई छोटा सा बच्चा भी होता है ना, वो भी महिमा गान करता है, किसकी महिमा गान कर रहा है? क्वेश्चन बस इतना ही है, किसकी महिमा गान कर रहा है, कृष्णा की कर रहे हैं कि किसी भौतिकवादी की कर रहे हैं? भौतिकवादी की कर रहे हैं तो संघर्ष कीजिएगा, कृष्णा की कर रहे हैं तो संघर्ष से मुक्ति मिलेगी।
सिंपल एकदम, नहीं? हरे कृष्ण आसान है? तो बात बस इतनी सी है, कुछ लोगों को मैं बताता हूं, दो चार मिनट और दीजिए, कुछ लोगों को बताते हैं कि दान कीजिए दान कीजिए दान कीजिए, तो बोलते हैं प्रभु जी कितना दान करेंगे, प्रभु जी मेरे पास धन नहीं है, प्रभु जी ये स्थिति, प्रभु जी वो स्थिति, 50 कारण बता देंगे कि दान नहीं करता। अब देखिए क्या है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, और एक्सेप्ट भी मालूम है किस लिए करता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है। और मैं कभी भी खुलकर के इस बारे में बोलता नहीं हूं, अभी भी एक मैसेज आने वाला था, आज ही ड्राफ्ट किया हुआ, उसको एडिट करके भेजना था। जिनको प्रसाद के लिए दान करना है वो मैसेज करें, जिनको गौ सेवा के लिए दान करना है वो मैसेज करें, और एक और चीज के लिए लिखा, तीन विषय, हाँ 69 चैंट कर रहे हैं, कुछ तो ऑप्शन 69 चैंट, कितने राउंड चैंट कर रहे हैं कोई भी बता सकता है। तो ये मैसेज आने वाला है, आएगा, तो होता कैसा है, जब दान के बारे में बात आती है ना, तो लोग दान करना नहीं चाहते, पाप करना चाहते हैं, दान नहीं करना चाहते, पाप करना चाहते तो क्या मिलेगा, पाप। दान करेंगे तो क्या होगा, आपके धन से जो पाप, पाप से जो आपका धन आया है उससे मुक्ति मिल जाएगी, जिस प्रकार से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ कृष्णा को दान देते हैं, सब कुछ कृष्णा को ऑफर करते हैं, तो हमारे पत्र पुष्प फल और जल से जो भी पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम धन को भी कृष्णा को दान देंगे, तो धन से भी जो पाप अर्जित है वो समाप्त हो जाएगा। तो या तो आप पाप से मुक्त हो सकते हैं या पाप में सिद्ध रह सकते हैं। जो भी धन कृष्णा के लिए उपयोग नहीं करते हैं, असलियत यही है, वो पाप नहीं जी, तो पाप खा रहे हैं, पाप में रह रहे हैं, पाप ही कर रहे हैं। कृपया करके अपना धन कृष्णा के लिए उपयोग करने लग जाइए। बाकी किसी प्रकार का भी आप धन का सोचें कि हम सतो कार्य कर रहे हैं, कोई सतो कार्य नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण यस। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिनकी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो कृपया हैंड रेज करें। संपदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंचकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस रिमेंगर श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरि भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण यस। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हैं कुछ? हरे कृष्ण कोई कोई जिज्ञासा है? किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? एंड कर सकते हैं। ऋचा माता जी आप कीर्तन शेयर कर सकते हैं जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्लीज शेयर कीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, तो मैं सुनूंगा बट मैं स्क्रीन पे नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं लाइव रोक दे रहा हूँ।
और यस हरे कृष्ण। प्रभु जी ये 15 मिनट का ही है? नहीं, फिर दूसरा वाला देख लीजिए, 25 मिनट्स हमारे पास, 30 तक चलेगा। ठीक, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं हूँ। यस प्रज्ञा माता जी, पूछना पूछिए ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, 2 चला दूं 15-15 मिनट के? नहीं, ओके प्रभु जी। माधवा प्रभु को चला रही थी, वो चला दिए जी प्रभु जी। यस यस हिमांशु माता जी, पूछिए ना। पूछिए, किन्हीं को भी कुछ भी पूछना पूछ सकते, गलती से हो गया तो इट्स ओके। ठीक है, ओके चलिए कीर्तन सुनते हैं। यस कीर्तन सुनते हैं। हाँ, कोई हैंड रेज है? हिमांशु माता जी, हाँ हाँ पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कर सकती हैं, पूछिए। हाउ डू वी नो कि कृष्णा कृपा होती है, ये समझ में नहीं है, हो रही है, ये कैसे पता चलेगा कि कृष्णा कृपा हो रही है? एक्चुअली मैं आपको पता क्यों करना है, आपको पता भी क्यों करना है? शुद्ध अवस्था में हमें नहीं पता करना चाहिए, ठीक है, अशुद्ध अवस्था में पता करना है। शुद्ध अवस्था में हमें नहीं पता करना, देखिए क्या है, शुद्ध अवस्था में हमें गुरु के आदेश के अनुसार बस चलना, हमको नहीं जानना है कृपा हो भी रही है नहीं हो रही है, क्यों हो रही है क्यों नहीं हो रही है। अशुद्ध अवस्था में सपोज कीजिए, हाँ अशुद्ध अवस्था में हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको कह सकते, देखिए अगर स्टार्टिंग फेज है ना तो आपके भौतिक कष्ट होंगे कम, ठीक है, उसके बाद वाला फेज है उसमें प्रेम होगा भगवान के लिए ज्यादा। अगर स्टार्टिंग फेज है तो आप देखेंगे भौतिक कष्ट कम हो रहे हैं, अगर भक्ति में थोड़े दृढ़ है मतलब कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, है? पहले भौतिक कष्टों से कमी मिलेगी और थोड़ा जब दृढ़ हो जाएंगे तो भगवान के प्रेम से क्लोज होंगे, है ना। तो आप देखिएगा, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्थिति में, है ना, आप जब भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको चेंज दिखता होगा, कुछ लोगों को भौतिक कष्ट कम होता हुआ दिखता होगा, है, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में ही भक्ति कर रहा है तो क्या होगा कि भौतिक कष्ट उसके कम हो जाएंगे। क्या होता है, कृष्णा से आकर्षण होने पे भौतिक जो नियम होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, देवी देवता अपने नियम ढीले कर देते हैं, परंतु कोई दृढ़ कृष्णा में लगने का प्रयास कर रहा हो, पहले से ही कृष्णा से प्रेम जागृत, दृढ़ लगने का प्रयास कर रहा हो, तो भौतिक कष्ट हो सकता है बढ़ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है भौतिक कष्ट बढ़ जाए, परंतु उसके साथ साथ होगा कृष्णा से प्रेम बढ़ जाएगा, पहले कृष्णा से आकर्षण था, कृष्णा से प्रेम बढ़ जाएगा, है ना, दोनों में से एक चीज जरूर हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है ना। अगर भौतिक कष्ट भी कम हो रहा है तो इट्स ओके, आप ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं हमारी तो भौतिक कष्ट ही कम हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग फेज में भी हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपने आज ही स्टार्ट किया हो और एक महीना बाद ही बहुत ही उच्च दिव्य स्थिति में पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं, और हो सकता है कोई 10 साल से भी चल रहे हो वो अच्छी स्थिति में है पर दिव्य स्थिति में नहीं पहुंच रहे, गुड है बेस्ट नहीं बन रहे, ठीक है, दोनों में से एक सभी में हो रहा है ना, या तो भौतिक कष्ट कम हो रहा है या तो कृष्णा के लिए प्रेम बढ़ रहा है, सब में हो रहा है ना। हरे कृष्णा, जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सब में हो रहा है ना। यस, भौतिक कष्ट कम हो रहा है,
कृष्णा के लिए प्रेम भरा है, दोनों में से एक हो रहा है। और शुरू में आप लोगों ने देखा होगा, शुरू में जब आप लोग भक्ति कर रहे होंगे तो पहले भौतिक कष्ट ही कम हुआ होगा, भौतिक कष्ट कम हुआ होगा। यस, कि नहीं और की कोई डाउट है, कुछ और पूछना, कोई और जिज्ञासा? नहीं। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शन करने। चलिए मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, 19 मिनट्स कीर्तन सुनेंगे, ठीक है? सब कोई कीर्तन सुन लीजिएगा।